हमारे नाक के बीच में सेंटर में एक सेप्टम होता है जो नाक को दो हिस्से में डिवाइड करता है। जब किसी कारणवश यह सेप्टम एक साइड में सरक जाता है, चाहे राइट या लेफ्ट में, तो उसे डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं। और अधिकतर किस्सों में इसके लिए ऑपरेशन सर्जरी की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल और आहार पद्धति में हमारी हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए ठीक से परिवर्तन लाया जाए और साथ में योग्य होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो बिना सर्जरी के इसके ठीक होने की संभावना काफी अच्छी होती है। और मेरे अनेक पेशेंट इस तरह से ठीक होने के अनुभव के आधार पर मैं आपको यह कह रहा हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे दो पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपकी हीलिंग पावर को बढ़ाकर इस बीमारी से मुक्ति पाने में आपको हेल्प करेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है, और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये डीएनएस होता है तो उसके लक्षण क्या है? तो डीएनएस की वजह से जो सेप्टम एक साइड में सरक जाता है तो एक साइड का नाक हम बंद हुआ महसूस करते हैं, और कभी कभी इसके साथ में जो वहाँ के टिश्यूज होते हैं जो सेप्टम के ऊपर है उसमें भी सूजन आ जाती है, और इन दोनों की वजह से ये समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। एकदम नाक बंद हुआ महसूस होता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत तकलीफ हो सकती है, और जब ये एयर वहां से पास होती है तो उसकी वजह से एक ड्राई इफेक्ट भी हो जाता है, यानी सेप्टम के ऊपर के जो टिश्यू है वो ड्राई हो जाते हैं अधिक, और इस वजह से वहां पर क्रस्टिंग हो जाती है, और कभी कभी ये क्रस्टिंग निकलने की वजह से वहां से ब्लीडिंग भी हो सकती है। और कुछ लोगों में रात को सोते समय नोइजी ब्रीदिंग भी होती है, यानी सोते समय आवाज भी आ सकती है। तो इस तरह के सिम्टोम्स हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये होता क्यों है? कुछ लोगों में यह कंडीशन जन्म से ही होती है और कुछ लोगों में यह कंडीशन इंजरी की वजह से होती है। अगर हमारे नाक के हिस्से में किसी एक्सीडेंट या और कोई वजह से इंजरी होती है तो भी यह कंडीशन पैदा हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारी हीलिंग पावर को बढ़ाकर इस बीमारी से मुक्ति पाने में लाभकारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हमें यूज करनी है उसका नाम है लेमना माइनर 30CH लिक्विड डाइल्यूशन, और इसके साथ में और एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है जो हमारी हीलिंग पावर को तो बढ़ाती है और साथ में हमारे ये जो नाक के हिस्से में है, सेप्टम के हिस्से में कुछ टॉक्सिन जमा हो जाते हैं उससे भी मुक्ति दिलाने में बहुत ही यूजफुल है, और इस वजह से इसके इस्तेमाल से हमारी ठीक होने की गति और प्रोबेबिलिटी बहुत ही अधिक हो जाती है। तो यह सेकंड मेडिसिन का नाम है फिकस इंडिका 30CH लिक्विड डाइल्यूशन। जी हाँ, हमें इन दोनों मेडिसिन को 30CH के लिक्विड डाइल्यूशन में यूज करना है। तो इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है? तो उसके लिए एक छोटी सी कटोरी लीजिए और उसके अंदर 5 से 6 चम्मच पानी डालिए, और उसके बाद में यह दोनों दवाई के 5-5 बूंद उसमें डालिए और इसे आप पी जाइए। इसे दिन में 3 बार लेना है, और इसे लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ भी नहीं खाना है। इस मेडिसिन को कितने मंथ तक लेना है? आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र है, कितनी पुरानी है, और आपको ये 2 महीने में मेडिसिन द्वारा कितना फर्क पड़ा है, इन 3 फैक्टर्स पर यह दवाई को कंटिन्यू करना कि नहीं करना इसका आधार होता है। इसलिए 2 महीना यह दवाई लेने के बाद में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र थी और कितनी पुरानी थी, और यह भी बताइए कि यह 2 महीने की मेडिसिन लेने के बाद में आपको कितना और कैसा फर्क पड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और कंटिन्यू करना है तो कितना करना है। इस दवाई को कितना लेना है, कैसे लेना है, ये तो हमने जान लिया,
लेकिन इसके साथ में होम्योपैथिक दवाई लेने के और भी कुछ नियम है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप आई बटन दबाओगे तो वहां पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप अवश्य देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।